प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हिंदी बाइबल रीड में आप सबका स्वागत है। आज का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 8, व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा। हालेलुया। तो पढ़ते हैं, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फारिसी एक स्त्री जो लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुक कर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुक कर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उसे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप न करना। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें यही कहता है कि इस वचन के अनुसार हमसे ये बातें करता है कि हमें, जब तक हम अपने अंदर की गलतियों को ना धो ले तो हम दूसरों पर भी दोष नहीं लगा सकते। और दोष लगाने के लिए भी बाइबल का वचन बिल्कुल मना करता है। तो मेरी प्रियो, हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें। अगर हमारा पड़ोसी हमसे बुरा व्यवहार भी करता है तो भी हम उससे अच्छा ही व्यवहार करें, ताकि हमारे भले काम से जो स्वर्ग में परमेश्वर है उसकी तारीफ हो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को जरूर सुने, क्योंकि प्रभु अपने वचन के सुनने वालों को जरूर आशीष देता है। तो मिलते हैं अगले बाइबल रीड में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।